आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IRCTC से रिजर्वेशन टिकट या वेटिंग टिकट को कैसे बुक किया जाता है और बुक करने के बाद उसको PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा IRCTC, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ IRCTC का ये ऑफिशियल साइट है IRCTC.co.in, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा, यहाँ आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप एजेंट है तो यहाँ एजेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप OTP बेस्ड लॉगिन करते हैं तो एजेंट लॉगिन विथ OTP बेस्ड चूज़ करेंगे। अगर आपके पास डोंगल है तो DC लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास एजेंट ID है लेकिन वो अभी एक्सपायर हो गया, तो अभी हम आपको पर्सनल यूज़र ID से बना करके दिखाएंगे। तो इसको हम कट करेंगे। पर्सनल यूज़र ID से बनाने के लिए आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना यूज़र ID डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूज़र ID और पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट डिटेल्स दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगा, आप जो भी पिछला टिकट बुक किए हैं वो लास्ट टिकट का हिस्ट्री यहाँ पे शो होने लगेगा। चलिए अभी हम आपको मुंबई से पटना का टिकट बुक करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे LTT से पटना, LTT चूज़ कर लिए और यहाँ लेंगे हम पटना। उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, चलिए हम 17 मार्च का करेंगे। तो यहाँ डेट चूज़ कर लेंगे 17 मार्च। हमको लोकमान्य तिलक से पटना का जनरल में चाहिए, तो हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सारा गाड़ी का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। हम 32.02 का लेंगे, ये ट्रेन का लेंगे। तो हम स्लीपर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्लीपर क्लास का मुझे चाहिए, ये 11 नंबर वेटिंग है, हम इसको बुक करेंगे। तो यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगा, आप नीचे आएंगे, यहाँ पैसेंजर नेम के ऊपर पे क्लिक करेंगे। तो पैसेंजर का नाम यहाँ से फिल करेंगे, उसका एज यहाँ से डालेंगे, उसका यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, वो इंडियन है तो यहाँ से इंडियन चूज़ कर लेंगे। कौन सा सीट आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो सीट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर और भी कस्टमर है तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके और भी हम पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से इसको टिक कर देंगे और पेमेंट आप कौन चीज़ से करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। हम UPI से करेंगे तो UPI चूज़ कर लेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं, हम चलिए उसी को रखेंगे। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ से ये कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट पेज में ला करके छोड़ेगा। IRCTC iPay क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड UPI से पेमेंट करेंगे, तो हम इसी को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एंड बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना UPI नंबर डालेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जो भी UPI सेलेक्ट किए हैं उसी ऐप में आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और पेमेंट आपका वहाँ शो करेगा, वो पेमेंट को कन्फर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे टिकट बुक हो जाएगा। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। हमने पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिया है, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक हो जाएगा। आप अगर वेटिंग में हैं तो आपको यहाँ बोल रहा है कि अगर आप उस गाड़ी में सीट आपको अगर नहीं मिली तो दूसरा गाड़ी में आप लेना चाहते हैं तो आई एग्री करेंगे, हम नहीं लेंगे तो हम नॉट एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये हमको यहाँ से रेटिंग पूछ रहा है, हम रेटिंग नहीं देंगे इसको, यहाँ से कट कर देंगे आपका टिकट। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुल बुक अ टिकट, आपका मैसेज आ जाएगा। चाहे तो यहाँ से आप SMS में भी सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, या फिर आप चाहे तो यहाँ प्रिंट आइकन पर क्लिक करके आप कस्टमर को प्रिंट करके PDF में भेज सकते हैं। आप चाहे तो यहीं से बुक अदर टिकट पर क्लिक करके दूसरा टिकट भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट टिकट इस पर क्लिक करके यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे पैसेंजर का नाम आ जाएगा, उसका यहाँ से वेटिंग नंबर आ जाएगा, अगर टिकट कन्फर्म है तो यहाँ से कोच नंबर आपको अभी ये मिल जाता। और अगर आप रिटर्न टिकट भी बुक करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके रिटर्न टिकट भी बुक कर सकते हैं, यहीं से फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं, होटल भी बुक कर सकते हैं, बस भी यहीं पे बुक कर सकते हैं आप। किसी कारणवश अगर आप यहां से प्रिंट अगर नहीं कर पाते हैं तो आप यहां माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, माय ट्रांजैक्शन पे आएंगे और यहां से बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो आप जितना भी टिकट बुक किए हैं सारा टिकट का यहां पे हिस्ट्री आ जाएगा। जैसे कि हम S-Bag से कटिहार का ये टिकट बुक किए हैं तो इसका भी हिस्ट्री आएगा। तो इसी भी यहीं पर आकर के आप यहाँ प्रिंट आइकन पर क्लिक करके प्रिंट करके यहीं से भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।